जो कड़ी है उसमें आगे आमंत्रित करना चाहूँगा तेजेंद्र गुर्जर जी से। आप आसिंध विधानसभा सीट से आते हैं और अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, और तेजेंद्र जी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे फोकस भारत की प्रधान संपादिका कविता नरुका जी। तेजेंद्र जी आसिंध विधानसभा सीट से हैं, बहुत ही दमदार तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर सामाजिक क्षेत्र दोनों में बहुत ही उम्दा काम वो कर रहे हैं। तो मंच पर अब तेजेंद्र गुर्जर जी और फोकस भारत की प्रधान संपादिका कविता नरुका जी। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है, फिर से आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान इलेक्शन कॉन्क्लेव 2023 में। आज इस बार हमने थीम रखी है न्यू राजस्थान। हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं आसिंध विधानसभा से दमदार युवा नेता तेजेंद्र गुर्जर जी, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आप ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति में कोई दूर दूर तक नहीं, ऐसी कौन सी वजह थी जिसने आपको प्रभावित किया इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? सर्वप्रथम तो फोकस भारत मंच का, आपका, पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस मंच पे हमें जगह दी। मैडम, सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले हैं मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ताओं, देश ही नहीं विदेश के सहित करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं शुरू से श्रमशोक रहा हूँ, संघनिष्ठ व्यक्ति हूँ, शुरू से ही देश सेवा का जज्बा दिल में मन में रहा है, और कुछ परिस्थितियाँ जब जनता के बीच में जाते थे या मेरे कॉलेज जीवन में हमने देखा है कि एक साधारण से व्यक्ति को, आम जनमानस को अपने कार्य करने के लिए प्रशासनिक इकाइयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैंने एक नहीं दर्जनों ने सैकड़ों बार मैडम देखा है कि उन परिस्थितियों के निराकरण के लिए कहीं न कहीं शिक्षित व्यक्तियों को राजनीति करनी चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष करें या अप्रत्यक्ष करें, जनप्रतिनिधि बन के करें या संगठनात्मक रूप से करें। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे प्रेरित करी और मुझे इस तरह अग्रसर किया। बिल्कुल, निश्चित तौर पे पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिनके साथ आप जनता के बीच जाएंगे? मैडम, राजस्थान का हाल बेहाल है, मुद्दे सर्वविदित हैं। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान में हाहाकार मचा है। अब ये परिस्थिति राजस्थानी कहां से शुरू करें? कहने को करने को बहुत कुछ है, पर मुद्दों की बात करें तो हमने देखा है कि कांग्रेस के पूर्व मुखिया बड़ी सभा में आके किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, किसानों को बरगलाया, बहकाया, किसानों के साथ झूठी कर्ज माफी का वादा किया। राजस्थान में किसानों का हाल बेहाल है, सैकड़ों किसानों आत्महत्याएं की हैं, 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं। ये मुद्दा इसके साथ ही हमने देखा है, राजस्थान में युवा बेरोजगार बड़े परेशान, दुखी, व्यथित, पीड़ित हैं। इनका द्वारा करवाए गए प्रत्येक पेपर कहीं न कहीं जुमलेबाजी में फंसा है, 17 बार पेपर लीक हुए हैं। वो युवा बेरोजगार बहुत परेशान के साथ साथ उनके परिवारजन अपना पेट काटकर ग्रामीण परिवेश में उनके अभिभावक माता पिता अपनी जमीन गिरवी रखकर, अपनी गिरवे गहने गिरवी रखकर कहीं न कहीं उनको पढ़ाया लिखाया, और हमने देखा है
इस पीड़ा से भी प्रदेश में कई युवाओं ने आत्महत्याएं की हैं, ये मुद्दा है। इसके साथ ही हमने देखा है कि प्रदेश में दिनों दिन अपराध चरम पर है। हमारी बहन बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ दुराचार, अत्याचार, उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई हैं, बहुत ही सोचने का विषय है। ये मुद्दे तो है ही, इनके साथ ही साथ चारों तरफ हमने देखा है कि ये सरकार चौतरफा फेल है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे कई प्रमुख बिंदु हैं, उस बिंदु पर हम आने वाले चुनाव में लेकर जाने के अलावा मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल 7 महीने से इन मुद्दों को लेके, किसानों के मुद्दों को लेके हम लगे हुए हैं और जनता ने भी इन मुद्दों पे अपना मन बना लिया है। निश्चित तौर पे शिक्षा, सड़क और बिजली ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो वो तो है ही मौजूद, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के लिए ऐसी कौन सी विशेष योजनाएं जो आप लेके जाना चाहते हैं? शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, ये चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति का दायित्व प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सरकारों का बनता है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा तो अभी क्षेत्र में 2-3 बिंदु ऐसे हैं, पिछले कुछ समय से क्षेत्र के आम जनमानस ने पुरजोर मांग कर रखी है कि हमारे वहाँ जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है, सिंचाई के पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तो क्षेत्र की मांग है कि हमारे वह खारी नदी, मानसी जो नदी है, उस नदी को कहीं ना कहीं किसी भी प्रोजेक्ट के द्वारा केंद्र सरकार से निवेदन करके राज्य सरकार बनने के बाद चाहे चंबल से उसको रिचार्ज करें, जो लाइन है उससे उसको मर्ज करते हुए सिंचाई की व्यवस्था करवा सकें, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में पिछले 7-8 साल में शिक्षा में अब बदलाव देखने को मिला है, तो उस पर भी हमारा मेन फोकस रहेगा कि आने वाले समय में हमारा आसिंद उड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भगवान स्वाईभोज, भगवान देवनारायण भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा ढंग से मुहैया कराई जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी भी वहाँ बहुत पिछड़े हुए हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ भी लोग जागरूक होंगे और हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। निश्चित तौर पे मेरे को ये जानना है आपसे कि किसान, आप उस पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान पूरे साल मेहनत करता है लेकिन उसको फिर भी एक साल में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। आप एक युवा हैं, आपका क्या रोडमैप और विजन है इसको लेकर? मैडम, इस बिंदु पर हमने देखा है कि पूर्ववर्ती भारत में जो भी सरकारें आई हैं उन सरकारों ने पिछले 60-70 सालों में किसान भाई बहनों को अटकाया, लटकाया, भटकाया है। पर हमने देखा है कि हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की देन रही है। हमने देखा है कि हमारा ही नहीं, हमारे व्हीकल्स या अन्य सामान का बीमा होता है, परंतु पहली बार वो फसल बीमा स्कीम लेके आए हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, उनके हित के लिए लागू करी, पर अब हमने देखा उन्हीं योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद काफ़ी आगे बढ़ाया है। किसानों की फसलों के बारे में हम देखते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ किसान हितैषी योजनाएं, MSP देखो कई गुना बड़ी है, कृषि बजट देखो कई गुना बड़ा है, तो उसके मद्देनजर हम देखें तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का भी इसमें रोल रहता है। पर
ये राज्य सरकार राजस्थान के अंदर किसानों के साथ फसल बीमा हो, चाहे उनकी मंडियों के अंदर बिकने वाली फसल प्रॉपर उनकी व्यवस्थाएं नहीं रह पाई, उनकी योजनाओं को केंद्र की योजनाओं को कंप्लीट रूप से यहां रूपांतरित नहीं करने में सक्षम हो पाए। मैं ये चाहता हूं कि फसलों का उत्पादन के साथ ही उनके निर्यात के पहले, विक्रय के पहले कहीं न कहीं उनका मूल्य निश्चित मात्रा में तय हो। निश्चित तौर पे आपकी एक पहचान आपके क्षेत्र में जमीन से जुड़े व्यक्ति के तौर पे है, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि योजनाएं तो सरकार बनाती है, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहेगी और आप कैसे उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे? मैं केवल मैडम इस बिंदु पर आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा और राजस्थान में बनने जा रही भाजपा सरकार के द्वारा जो योजनाएं डबल इंजन सरकार के माध्यम से दी जाएगी, उन योजनाओं को अक्षर से पूर्ण सुचिता, पारदर्शिता, तटस्थता के साथ पूर्ण कटिबद्ध रूप से आम जन मानस को हर घर तक, प्रत्येक जन तक पहुँचाने की हमारी योजनाएं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आपने हमें समय दिया। कोशिश रहेगी इस सत्र का समापन यहीं होता है और हम बहुत जल्द दूसरे चरण के साथ आपके साथ मिलेंगे। हमने कोशिश करी फोकस भारत ने कि न्यू राजस्थान थीम को आगे बढ़ाया जाए और न्यू राजस्थान विजन के साथ हम लोग आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं टीम से निवेदन करूंगा कि तेजेंद्र जी के लिए केक लेकर आए और बहुत ही दमदार और प्रखर वक्ता है, धरातल पर काम करने वाला व्यक्तित्व है, मिलनसार और सौम्य व्यक्तित्व की पहचान है उनकी अपने क्षेत्र में, जनता के मुद्दों को बेबाकी से रखते हैं, उनकी समझ भी है, उनकी परख भी रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको ना सिर्फ पार्टी से टिकट मिले, आप टिकट मिलने के बाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में भी पहुँचे और वहाँ पहुँच कर जैसा आपका व्यक्तित्व है उसी बेबाकी के साथ आप क्षेत्र की जनता की आवाज़ को वहाँ बुलंद तरीके से उठाए और इस अपने आसिंद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। आप भीलवाड़ा ज़िले की आसिंद विधानसभा सीट से आते हैं, बहुत ही दमदार और प्रखर वक्ता है, शुरू से संघ से जुड़े रहे हैं और संगठनात्मक कार्यों में आपने अपना कौशल, अपना लोहा मनवाया है। अब मैं मोमेंटो तेजेंद्र जी का चाहूँगा कि फोकस भारत की प्रधान संपादिका है कविता नरुका जी, वो उन्हें मोमेंटो भेंट करें और आप यहाँ आए, अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया तेजेंद्र गुर्जर जी और तमाम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद और इस्तकबाल करते हैं हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खानपुर से विशाल पार्थ जी, हिंडोली से अखिलेश जैन जी, गंगापुर सिटी से धन सिंह मावई जी, टोंक से संजय सांगी जी, आप सभी लोग हमारे बीच पधारे, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमें अनुग्रहित किया। हम सब आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि आपको राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिले। और कविता नरुका जी कुछ कहना चाहिए।